हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल सके, एंड साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक करें। वीकेंड गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पेश है आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स लीजिए पहला क्वेश्चन, सार्स क्या है? तो इसका सही आंसर है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ए अवतल। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है उत्तल लेंस बी। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर है ए न्यूटन। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है बी रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर होता है? तो इसका सही आंसर है कांच का बना हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है? सी ग्रेफाइट छड़। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? दो सौ छह। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? तो सही आंसर है बी प्लस। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? ए लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? बी पारा। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? सी TB। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण है? ए उच्च आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बी हीलियम। मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ए यूरोकॉम। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंचिक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOC 12। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन था? राइट आंसर है डी वाटरमैन।
अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? बी हरगोविंद खुराना, अगला क्वेश्चन है, किसे भारी जल कहा जाता है? D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, बी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? इसका सही आंसर है सी आयरन। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है 4°C। अगला क्वेश्चन है, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? सही आंसर है डी बीज। अगला क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है? बी अम्लीय। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? डाइऑप्टर, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसानों का मित्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है केंचुआ। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है रेप्टाइल्स सी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है, दूरी का मात्रक? बी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ए 9.46 × 10 = 15 meters, इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, मियादी बुखार से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है डी आंते। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर है डी जाइलम, जाइलम। फिर अगला क्वेश्चन है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि? इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, सी इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्ध्य द्वारा, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन के,
रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। डी आंसर इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका सही आंसर है ए 280 दिन। अगला क्वेश्चन है, सर्प दंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र, बी तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की। सी इसका सही आंसर है, तांबा और जस्ता। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है, दाब अधिक होता है, बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, एमीमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत धारा, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? इस बात में, सी इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? एक एकोसिक। फिर अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे जे थॉमसन। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है टाइटेनियम, डी। अगला क्वेश्चन है, लोहे का जंग लगने से उसका भार बढ़ता है? अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग किससे फैलता है? तो इसका सही आंसर है बी वायरस। कशिश का तेल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, मर्ग मरीचिका बनने का कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स, ए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? ओटो हान, ए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबल पुरस्कार मिला? भौतिकी, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ए इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है बी अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो
इसका राइट आंसर है ए इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है सी लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है हीरा बी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के लिए आपके साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप प्लीज इस कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।